डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम पर है, वह भी तब जबकि यहाँ IAS नगर आयुक्त तैनात है और भाजपा के महापौर। चाल चरित्र और चेहरा की राजनीति करने वाली भाजपा का यहाँ वर्चस्व है। हालत यह है कि अफसरों व जनप्रतिनिधियों की लंबी फौज होने के बावजूद गृह कर व संपत्ति विभाग अफसरों व कर्मचारियों के जेब भरने की मशीन बन गई है। एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले सामने आने की कड़ी में व्यापारी नेता सुधांशु महाराज से 1.5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गृह कर विभाग के 2 कर्मचारियों को एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार कर लिया। मजेदार बात यह है कि इस गिरफ्तारी के बाद स्टाफ को बचाने के इरादे से 1,40,000 रुपए सुधांशु महाराज का गृह कर जमा करते हुए रसीद व्हाट्सएप पर व्यापारी नेता को भेज दी गई, जबकि एंटी करप्शन टीम ने 1.5 लाख रुपए समेत लिपिक दीपक कुमार व अनुचर राहुल कुमार को गिरफ्तार किया है। सवाल उठता है कि व्यापारी नेता ने जो रकम दी थी वह एंटी करप्शन टीम ने बरामद कर लिए, फिर गृह कर कैसे जमा हो गया? इसके जब firstbite.tv द्वारा जांच पड़ताल की गई तो कई और घोटाले व अफसरों व कर्मचारियों की जनता को लूटने की मिलीभगत सामने आई है। ऐसी ही एक कोरी रसीद बुक भी सामने आई है जिसमें सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर है, यानी अधिकारी ने अपने साइन कर स्टाफ को डिमांड नोटिस की बुक थमा दी है। इसमें स्टाफ मन चाही रकम भरकर भेज देता है और फिर इसके बाद शुरू होता है मनमाफिक वसूली का खेल। इससे यह भी साबित हो गया कि भ्रष्टाचार के इस खेल में ऊपर से नीचे तक सभी शामिल हैं, और ऐसा पहली बार भी नहीं हुआ है जब इस रिश्वतखोरी का खुलासा हुआ है। इस बारे में व्यापारी नेता सुधांशु महाराज ने बताया कि उनकी तहरीर पर राजस्व निरीक्षक अनुपम राणा को भी आरोपी बना दिया गया है। कोरे डिमांड नोटिस पर अनुपम राणा के सिग्नेचर बताए गए हैं। इसके अलावा सुधांशु महाराज ने यह जानकारी दी। मैं सुधांशु जी महाराज, सुधांशु ज्योतिष संस्थान मेरठ उत्तर प्रदेश से। आज मेरठ के नगर निगम में मेरे से आज 1.5 लाख रुपए उन्होंने रिश्वत मंगाई थी। आज 1.5 लाख रुपए रिश्वत के साथ ये पकड़े गए हैं। मैं आपको पूरा व्याख्या बता देता हूँ। ये हाउस टैक्स के नाम पर भ्रष्टाचार अधिकारी, इन्होंने क्या करा, पहले 50,000 का बिल था हाउस टैक्स का, उसे 4 लाख का बनाया। फिर उन्होंने मेरे से कहा, बैठ के 8-10 लोग आए थे मेरे पर, प्रेशर बनाया दुकान पर बैठे, इन्होंने मुझसे कहा कि ये आपका बिल हम 50,000 का कर देंगे, इसमें आपसे हम 2 लाख की रिश्वत लेंगे यानी 2.5 लाख, और 1.5 लाख आपका माफ हो जाएगा, कोई बात नहीं। मैंने इन्हें 50,000 दे दिए, इन्होंने प्रेशर बनाया था, नहीं तो आपकी दुकान को सील कर देंगे। और मेरी इन्होंने सामने वाली दुकान एक पड़ोसी की, उसको सील कर दी, मेरी बिल्डिंग में हर लोग बिल्ड में ऊपर सील कर दिया। ये भोले भाले लोगों को डराते धमकाते हैं, सील कर देते हैं, और भोले भाले लोग इनकी बातों में आ जाते हैं। ये पहले ही 10,000 का बिल 1 लाख का 1.5 लाख का बना रहे हैं, इन्होंने गोरखधंधा बना रखा है। मेरा माननीय योगी आदित्यनाथ जी निवेदन है, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को काले पानी की सजा दे दी जाए, इन्हें बाहर कर दिया जाए। कौन कर्मचारी है, किस डिपार्टमेंट का? ये दीपक कुमार है, लिपिक है, अनुपम राणा है, इंस्पेक्टर है, राहुल है, बहुत सारे लोग हैं, पूरी चैन थी, इनकी जांच हो जाए। उन्होंने शहर के अंदर आतंक मचा रखा है हाउस टैक्स के नाम पे। पहली बात तो हाउस टैक्स की सारी रसीदें फाड़ दी जाए जो इल्लीगल बनी हुई है। इन अधिकारियों ने सबके बिल 10-10 हज़ार के, 1 लाख के, 2 लाख के बना दिए। अब आपने कितने पैसे दे दिए? मैंने इन्हें अब 1.5 लाख मेरे पकड़ेंगे, 50,000 मैं दे चुका। पहले जो 1.5 लाख का था 56,000 की रसीद कटी, ये लोग 1 रुपया कम नहीं करते। अब ये बताइए आप, जो मेरे पास 4 लाख का बिल है, मैं सारे सबूत दे चुका हूँ, इन्होंने मुझे 3,96,000 का बिल दिया था, वो 56,000 इन्होंने जमा करवाए सरकार के खाते में। यानी ये 3 लाख की छूट कैसे दे दी इन्होंने, जब जिसमें 10,000 कम नहीं करते, सरकारी बिल बन गया, इसके बाद 56,000 इन्होंने कहाँ से बना दिए? ऐसी इन्होंने आपने कहाँ करी थी? मैंने भ्रष्टाचार सेल में करी थी। भ्रष्टाचार सेल की मेरठ की टीम ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बहुत अच्छा काम करा। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी वजह से ये अधिकारी पकड़े गए, क्योंकि मेरठ की जनता, मेरठ के व्यापारी इन लोगों से परेशान थे। मैं अपना अगर वो देखता फायदा तो मेरा अपना फायदा नहीं, मैं सरकार का फायदा। मैं ऐसे अधिकारियों को मेरठ के अंदर नहीं रहना चाहिए, काले पानी महाराज जी को भेज देना चाहिए। मैं मेरठ की जनता के लिए कदम उठाया, चाहे मेयर को कहीं को कुछ होता है, इसके जिम्मेदार ये लोग होंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार।